हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पायनियर अपडेट्स में। दोस्तों एक बार फिर से नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती यहाँ पे जारी कर दी गई है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोल्हापुर मंडल द्वारा सारी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। NHM महाराष्ट्र के अंतर्गत ये सारी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। बताना चाहता हूँ 12th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक के यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं इनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज रखी गई हैं। किस तरीके से आप लोगों को ये फॉर्म अप्लाई करना है और इसकी लास्ट डेट वगैरह क्या रहने वाली है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दें और दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है आप लोग हमसे यहाँ तक पूछ सकते हैं। और चाहते हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हर सरकारी भर्ती की जानकारी आपके पास इसी तरीके से पहुंचते रहे तो हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो के नीचे जाइए, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिए और आगे की जानकारी भी इसी तरीके से आगे पाते रहिए। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी पहली वैकेंसी की ओर। तो देख पा रहे हैं सबसे पहली जो वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है वो यहाँ पे फिजिशियन के लिए है। MD होना यहाँ पे अनिवार्य है मेडिसिन फील्ड से। अगली जो पोस्ट यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट की है और डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो एनेस्थीसिया का, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर वाली वैकेंसीज भी यहाँ पे रखी गई है। MBBS डिग्री होना यहाँ पे अनिवार्य है। आयुष मेडिकल ऑफिसर वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई करें। BAMS और BUMS अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजर की वैकेंसीज भी यहाँ पे रखी गई है। कोई भी मेडिकल डिग्री आपकी यहाँ पे अनिवार्य यहाँ पे करी गई है और 1 साल का एक्सपीरियंस हो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। स्टाफ नर्स की वैकेंसीज भी हैं और जितने भी कैंडिडेट GNM वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे BSc नर्सिंग वाले हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी भी यहाँ पे रखी गई है और इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे टेक्नीशियन का जो यहाँ पे कोर्स रहता है वो यहाँ पे अनिवार्य बोला जा रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली जो वैकेंसी है ECG टेक्नीशियन के लिए। देखिए इसमें एक्सपीरियंस होना यहाँ पे अनिवार्य है। ECG टेक्नीशियन का 1 साल का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी यहाँ पे रखी गई है और देखिए BSc हो और साथ ही साथ लेबोरेटरी का जो डिप्लोमा रहता है DMLT का, ये आपके पास होना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी रखी गई है। डी फार्मा वाले कैंडिडेट हो या फिर आप लोग जो है बी फार्मा वाले कैंडिडेट हो तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर ऑफिसर की वैकेंसी है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पे मान्य है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है स्टोर ऑफिसर के अंतर्गत। डेटा एंट्री ऑपरेटर मिस्ट क्लर्क लेवल की वैकेंसीज भी यहाँ पे रखी गई है। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो यहाँ पे अप्लाई करें। टाइपिंग होना यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे मांगा जा रहा है मराठी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। देखिए आप लोगों को पोस्ट का नाम बता दिया गया है जो यहाँ पे वैकेंसीज खाली थी और ये भी बता दिया गया है क्या क्या इसमें मांगा जा रहा है, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। अभी ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। और इससे पहले देखिए 3 रिक्रूटमेंट आए, नासिक सर्कल के अंतर्गत था, थाने सर्कल के अंतर्गत था और यहाँ पे नागपुर सर्कल के अंतर्गत था। तो हजारों में वैकेंसीज थी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं कोल्हापुर सर्कल का, तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज होंगी और अभी वैकेंसीज यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। और यहाँ पे देखिए अगर डिस्क्लोज की गई होती तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जरूर देता हूँ, लेकिन एक ऐसी उम्मीद है हजारों में ये सारी वैकेंसीज होंगी कुल मिला के। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई। देखिए अब आपको किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है इन पोस्ट के लिए। तो देखिए सबसे नीचे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड कराया है और यहाँ पे आप लोगों को देखिए बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, अपनी फोटो यहाँ पे पेस्ट करनी है, अपना नाम यहाँ पे फिल करना है, अपने फादर का नाम यहाँ पे फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके यहाँ पे रहने वाली है वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है और जो भी आपकी कैटेगरी वगैरह है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है, आपका परमानेंट एड्रेस हुआ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर हुआ, आपका ईमेल ID हुआ, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स के तौर पे यहाँ पे फिल करनी है। नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए कुछ टेबल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं। ऊपर की जो टेबल है इसमें आप लोगों को क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की और जो भी आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे रहने वाली है, सारी आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। और अगर आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग यहाँ पे अपनी जानकारी बता सकते हैं। और नीचे एक डिक्लेरेशन है, एक घोषणा यहाँ पे आप लोगों को करनी होगी और उसके लिए आप लोगों को देखिए दिनांक वगैरह, ये सारी जो डिटेल्स वगैरह है, सिग्नेचर वगैरह आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये सारा आप लोग यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे फिल कर दें। और देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको फिल करना ही करना है और देखिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको एक मेल ID पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 12th क्लास की मार्कशीट हो गई, 10th क्लास की मार्कशीट हो गई, जो भी आपकी ग्रेजुएशन रहने वाली है उनकी सारी जितनी भी क्वालिफिकेशन वाली डिग्री है तो आप लोगों को वो सारी वहाँ पे भेजनी है, सारी मार्कशीट वगैरह, सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह, साथ ही साथ जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको वहाँ पे भेजना होगा। और चाहे तो आप लोग यहाँ पे पहचान पत्र जो भी है वो भी वहाँ पे भेज सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको एक मेल ID पे भेजनी है और मेल ID मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऊपर की तरफ यहाँ पे एक मेल ID प्रोवाइड कराई गई है तो वो आप लोग मेल ID पे सारी जानकारी भेज दे। तो ये एक मेल ID है, इस पर आप लोग सारी जानकारी, अपना एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स इस पर भेज दें।
और यहाँ पे देखिए इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ, एक डेट यहाँ पे डिसाइड कर रखी है। तो देखिए डेट यहाँ पे है 20 अप्रैल 2020। इस डेट तक आप लोग अपनी जानकारी इस मेल आईडी पे भेज दें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। जो भी आप लोग अपनी यहाँ पे डिटेल्स भेजेंगे वो ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, और ईमेल के द्वारा ही आप लोग सारी जानकारी भेज दें। दोस्तों देखिए निवास यहाँ पे आप लोग जो भी आपका निवास का प्रमाण पत्र रहता है वो भेज दें, और अनुभव का है तो भी आप लोग यहाँ पे भेज सकते हैं, और पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह सारी जानकारी आपको भेजनी होगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा का सारा, जो भी आपकी योग्यता है और मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं, प्रमाण पत्र है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल आईडी पे भेज देनी है। तो बिल्कुल ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताएं। ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं बनाया है, और बता दिया है मैंने आपको कि वैकेंसी यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। चौथी वैकेंसी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ एनएचएम महाराष्ट्र के अंतर्गत, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी नागपुर मंडल के अंतर्गत वैकेंसी रिलीज की गई थी, फिर थाने सर्किल में सारी वैकेंसीज यहाँ पे आई, फिर उसके बाद देखिए नासिक में आपको यहाँ पे सर्किल में वैकेंसीज रिलीज की गई, और इसके बाद देखिए कोल्हापुर में, जो वीडियो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कोल्हापुर सर्किल का है, तो देखिए आगे और भी वैकेंसीज रिलीज की जाने वाली है, और आगे की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है आप लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं और फॉर्म आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप लोगों को देखिए वीडियो के नीचे जाना होगा, और वहां से आप लोग इसकी लिंक ले लीजिए, और आखिरी का पेज पे जाना होगा, वहां से आप लोग इसका प्रिंट निकाल लीजिए और इसको अप्लाई कर दें। और कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल वगैरह है आप लोग हमसे पूछ लें, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और देखिए आगे भी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की जाने वाली है, और जैसे ही जानकारी आती है हमारा चैनल यहाँ पे सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएगा। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, आगे की इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिए, और आगे जानकारी इसी तरीके से पाते रहिए। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।